कलेक्टर एसपी ने घाट में पहुंचकर की अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई। एक दर्जन से अधिक ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल जब्त। बालाघाट से सटे वैनगंगा नदी के किनारे यह गायखुरी घाट है, जहां से अवैध रूप से रोजाना दर्जनों ट्रैक्टर के माध्यम से उत्खनन कर परिवहन किया जाता है। ऐसे में कलेक्टर दीपक आर्य और पुलिस कप्तान अभिषेक तिवारी दल बल के साथ गायखुरी घाट पहुंचे और यहां खड़े एक दर्जन से अधिक ट्रैक्टरों को जब्त कराकर अवैध उत्खनन करने वालों और परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बताया गया कि कलेक्टर एसपी के पहुंचने पर भगदड़ की स्थिति निर्मित हो गई थी, फिर भी दल बल की घेराबंदी के चलते बड़ी कार्रवाई करने में सफलता हाथ लगी है। कलेक्टर ने इस मामले में वैधानिक कार्रवाई करने की बात कही है। नॉर्मल हम लोग रास्ते से गुजर रहे थे, वहाँ कुछ ट्रैक्टर दिखे, तो उसके बाद घाट में जाके देखा तो 20-25 ट्रैक्टर वहाँ पर रेत उत्खनन में कार्य कर रहे, जो कि अवैध था। सुकर घाट से बाहर जाकर के वो कार्य किया जा रहा था और इसलिए जब्ती मना की गई है। लगभग 15-20 ट्रैक्टर उसमें कार्रवाई में पकड़े गए हैं और उनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की गई। क्या कार्रवाई होगी अभी जिस हिसाब से थोक के भाव मिले हैं सर? ये कार्रवाई अब इसके बाद अवैध उत्खनन के ऊपर जो कार्रवाई बनती है वो यदि वन विभाग की सीमा पाया जाता है तो वन विभाग की कार्रवाई की जाए। सर बालाघाट मुख्यालय से लगा हुआ क्षेत्र है और इस तरफ बेखौफ होकर कार्रवाई ये इस तरह से अवैध उत्खनन नहीं, ये कारण उसका ये था कि रोड पे आवागमन कम था, इस कारण से ये चलता रहा इतने दिनों तक। अभी चूँकि आज हम लोग निरीक्षण भी कर रहे हैं और रोड को हम लोग एक मुख्य रूप में सड़क के रूप में इस्तेमाल करेंगे आगे से, जैसे ही हो जाएगा तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, सामने आ जाएगा लोगों के, लोगों के आवागमन में आएगा तो आप लोग भी हमें बता पाएंगे कि कोई कार्य कोई इस प्रकार की यदि गतिविधि वहाँ चलती है। जी सर अभी